बेसिकली क्या चीजें हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया कि आप ऑन ट्रैक रहे, और इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद आप एक डॉक्टर थे, सक्सेसफुल डॉक्टर थे, वो भी काम करना है, ये भी करना है, तो ये किस चीजों ने आपकी मदद की इतना बड़ा बिजनेस बनाने? सर उसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारे अप्लायंस, इन्होंने कभी भी चाहे अंदर अंदर नाराज रहे हो, कुछ भी बात रही हो, लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं किया। दे वर ऑलवेज सो कॉर्डियल टू मी, ऑलवेज सो अफेक्शनेट टू मी, हमेशा मेरी केयर करे। और ऐसा नहीं कि मैं, आई हैड बीन एन आइडियल पार्टनर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर रही होगी, क्योंकि ईगो बहुत थी और बात करने का ढंग भी बड़ा ईगोइस्टिक था, एरोगेंस बहुत थी। तो सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड तो मुझे आता है आलोक उपाध्याय जी के लिए और आरपी सर के लिए, द वे दे हैव हैंडल्ड मी। कभी उन्होंने मुझे छोटा महसूस होने नहीं दिया, हमेशा बड़े की तरह सम्मान करते रहे। और एक एक चीज मैं भी ये कहूंगा, थोड़ी सी अपनी भी तारीफ करूंगा, कि ये दोनों उम्र में इतने कम होने के बावजूद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझसे छोटे, हमेशा मुझे लगता रहा कि ये बड़े हैं मुझसे, अच्छा, और बड़े की तरह ही मैं भी इनको वो करता रहा। तो एक जो इन दोनों का जो सपोर्ट मिला है मुझे, ये तो एक्सेप्शनल है। दूसरी चीज सर क्या है, मेरा हमेशा अपने कैरियर में एक अच्छा स्टूडेंट होना काम आया। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, शुरू में हम लोग नेटवर्क 21 में थे, तो उसके अंदर जितना भी सुनते थे, जितना भी पढ़ते थे, उसको हम इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करते थे। और उस समय जो हमारे नेटवर्क 21 के फाउंडर जिम डॉर्डन थे, मिच साला थे, बिल्कुल मतलब उनको मैं आज भी समझता हूँ कि दे आर ग्रेट टीचर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और उसके बाद उनकी जगह फिर आपने ले लिया। आपको तो मैं कई बार कह चुका हूँ सर कि नेटवर्क मार्केटिंग के आप प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर से सीखना मेरी आदत थी और मैं सीखता गया, करता गया चीजों को, और उन्हीं चीजों को मैंने अपनी टीम में इनकलकेट करने की कोशिश की। और जो हमारे सबसे जो एक्सेप्शनल बात मेरे साथ क्या है, जो हमारे चार फ्रंट लाइन है सर, वो चारों 21%, ऐसा बड़ा कम होता है कि आपके फ्रंट लाइन ही प्लेटिनम हो, फाउंडर प्लेटिनम ये हो। तो बहुत रेयर, बहुत रेयर। जी और आप बता रहे थे जो जिम डॉर्नन और बड़े बड़े लीडर्स, उनके उन्होंने बहुत इंस्पायर किया आपको, बिल्कुल सही बात है। उनको बिल्कुल मैं ऐसे सुनता था जैसे ये प्रोफेसर हैं और हमारी कोई क्लास चल रही है और आई हैव टू लर्न। और ऐसी ऐसी बातें थी सर कि जो कि मतलब कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि पर्सनल ग्रोथ की, कि आपको ये भी करना होता है सक्सेसफुल होने के लिए, यू हैव टू डू दिस। क्योंकि एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप अगर एरोगेंट हैं, आप इगोइस्टिक हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट होता है। लोग उसको लोग बुरा नहीं मानते, उसको अच्छा मानते उसको। सही है। आप अगर एक कॉम्पिटेंट सर्जन है और किसी को डांट रहे हैं, तो ही वोंट माइंड। बट लाइफ में सक्सेस इस प्रिंसिपल पर नहीं हो सकती। जैसे कहते हैं ना, यू कैन बिकम अ गुड डॉक्टर, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, बट यू कैन नॉट बिकम अ गुड ह्यूमन बींग बाई सेम ट्रेड्स। यू हैव टू ग्रो पर्सनली। तो वो जो पर्सनल ग्रोथ मिली, जो ह्यूमिलिटी जो समझ में आई, जो लोगों को रिकग्नाइजिंग पीपुल की भाई उनके अंदर भी कुछ बात है, ये सब हमको इस सिस्टम से मिला। और जो हमारे फ्रंट लाइन्स की बात कर रहे थे, चाहे वो डॉक्टर सुरेश द्विवेदी हों, चाहे नरेंद्र वाजपेयी जी हों, चाहे वो ऋत्विक हों, इनिशियली ऋत्विक के फादर ने हमारे साथ बिजनेस करना शुरू किया था। वो उस समय प्रोफेसर थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग उनके साथ खूब प्रोफेसर्स के यहाँ घूमते थे। बाद में फिर वो ही सॉर्ट ऑफ गेव अप कहना चाहिए, एंड देन ऋत्विक टुक ओवर। और एक हमारे फोर्थ लेग में डॉक्टर राजेश मिश्रा थे, वो भी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने सिल्वर तक गए, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। तो ये जो चारों फ्रंट लाइन जिन्होंने 21% टच किया, देवर ऑल फ्रंट लाइन। तो ये भी एक है। और इसके अंदर उनकी जो अपनी काबिलियत है, उसके बगैर तो नहीं होता, आप समझ सकते हैं ना सर। श्योर, बिकॉज उन्होंने भी उसी तरह से समझा बिजनेस को, उन्होंने भी उसी तरह से किया, इसलिए आज कहीं ना कहीं आई एम फॉर्चुनेट कि मुझको जल्दी ही वो पार्टनर मिल गए जो मिल के हम लोगों ने ये टीमें बना डाली। आप कभी एरोगेंट रहे हो ये हमें समझ में नहीं आता। वैसे हमारे तो, हमने तो आपको बहुत ही हम्बल और पोलाइट देखे हैं हमेशा। सर हमारी टीम में दो पार्टनर अभी आई हैं, लेडी पार्टनर्स आई हैं। एक तो रहती हैं रांची में, दूसरी रहती हैं जमशेदपुर में। अच्छा, वो दोनों यहाँ पर थी हमारे मोहल्ले में, जहाँ हमारा नर्सिंग होम है, यहाँ थी, देन देवर गर्ल्स। बाद में उनकी मैरिज हो गई तो वहाँ चली गई। तो ओके, उन दोनों ने भी FRU में मिली, हमारे पास बैठी, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब जब आप प्रैक्टिस करते थे, तो हम लोग आपके नर्सिंग होम अगर किसी वजह से भी गए हैं,
जाना होता ही था, कोई ना कोई एडमिट है, कोई है वो, तो कहीं आपकी आंखों में देखकर हमें डर लगता। जरूर मैं रहा हूं ऐसे, तभी तुम मेरे को डर आदमी लगता। जरूर रहे हो, एंड दे शेयर्ड इट वेरी ऑनेस्टली, बिल्कुल सही बात है। और सुन के अच्छा भी लगा कि भी इतना भी कोई चेंज हो सकता है। हाँ, ये भी कमाल है, बंदा चेंज हो सकता है। और डेफिनेटली एसोसिएशन, टीचिंग्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और इंसान डेफिनेटली चेंज होते हैं जब। और जैसे आप बता रहे हो कि आप इस तरह से सीखते थे जैसे कोई टीचर अध्यापक पढ़ा रहा होता है, तो उस तरह से अगर आप सीखने लग जाओगे तो बहुत कुछ सीखोगे। और टीचिंग इस बिज़नेस में बहुत अवेलेबल हैं, और बहुत ज़बरदस्त टीचर्स हैं, बहुत ही कमाल के। तो डॉक्टर साहब, आपने अचीव किया, फाइनली आगे आते हैं सीधी बात पे कि आपने अचीव किया और एमरल्ड किया, फाउंडर एमरल्ड किया, बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड भी इस बिजनेस से मिले। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जो सबसे चेरिश्ड रिवॉर्ड हैं इस बिजनेस के, वो क्या है? सर मोस्ट चेरिश तो है, जब मैं 2008 में एमरल्ड हुआ था, उसके बाद मैंने अपनी शाम की क्लिनिक बंद कर दी। इवनिंग क्लिनिक में बैठने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे लगता था सारी दुनिया घूम फिर रही है, मौज मस्ती कर रही है, और अगर हमारे घर में डाइनिंग आउट का प्रोग्राम बनता था तो मोस्टली ऐसा होता था कि बच्चे और वाइफ चले गए हैं और हम बाद में उनको ज्वाइन करते थे, या कई बार नहीं ज्वाइन कर पाते थे कि भाई तुम लोग हो। तो आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट दिस, कि ये भी अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो फिर ऐसे प्रोफेशन से क्या फायदा। सो जब उसके बाद इवनिंग क्लिनिक मैंने बंद कर दी तो वो सबसे अच्छा लगा, और उसके बाद धीरे 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 फिर कोविड आया। कोविड के बाद मजबूरन बंद करना पड़ा सब कुछ, और जो 2-3 2.5 3 साल तक बंद रहा, तो उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट नहीं की, और उसको मैं आई चेरिश दैट। बहुत से लोग को लगता है कि भाई आपको फिर से शुरू करना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, मैं अब इस समय कंसल्टेशंस करता हूँ। और बहुत से ऐसे हमारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे आज ही एक पेशेंट आया, वो एडमिट हुआ किसी हॉस्पिटल में कि मुझे डॉक्टर साहब से सर्जरी करानी, तो आई फेल्ट सो नाइस कि हमने अपने एक हमारे फ्रेंड सर्जन है, उनके बेटा वो भी सर्जन है यहाँ इलाहाबाद में, मैंने उससे कहा कि तुम उस पेशेंट को देखो और सब कुछ तुम मैनेज करो, कल सर्जरी के टाइम हम आ जाएंगे, सर्जरी भी तुमका नाम बैठे रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ना सर, ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरी उम्र में भी लोग पेशेंट्स के लिए, उसकी सर्जरी करने के लिए, उससे पैसे अर्न करने के लिए भाग दौड़ तो मची रहती है, आप जानते हो प्रोफेशनल्स का जो लाइफ है। बिल्कुल, तो इफ आई कैन डू दैट आई फील सो नाइस अबाउट इट। और दूसरा जो चीज़ है, जो मेरे अंदर जो चेंजेस हुए हैं, जो ग्रोथ हुई है, पर्सनल ग्रोथ हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ ये है कि पैसे की जो बेफिक्री है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत पैसे नहीं आ रहे हैं, इतना पैसा नहीं आ रहा है कि, लेकिन जो फाउंडर एमरेंट पर आता है वही पैसा इतना है कि मुझे लगता है कि इसको खर्च कहाँ करें, क्योंकि हमारे दो बेटे हैं, दोनों अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो बिल्कुल हम हमारे हस्बैंड वाइफ के लिए दैट्स एनफ। और बेटे भी जब कभी मिलते हैं तो मैं हमेशा उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ, हालांकि वो लेते नहीं, पर अब जब छोटे थे तब से दे रहे, तो मुझे लगता है ये मेंटेन रहे आखिरी सांस तक तो अच्छा ही है। तो ये सही। सब चीजें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक चीज जो खटकती है वो है कि डायमंड होना चाहिए, सही। क्योंकि आप लोग की, स्पेशली आपका उसमें रोल है, हमारे अप्लायंस का रोल है, कि आई फील लाइक अ सेलिब्रिटी। अभी फैमिली रियूनियन में मैंने देखा कि कितने सारे लोग हमारे साथ मिलने आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, बट उन सबके बीच में लगता है कि ये सब कर तो रहे हैं, बट आई शुड बी अ डायमंड। तो वही एक चीज है जो मुझे अब करनी है, मैंने डिसाइड किया है और उसको करके रहूंगा मैं। बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए डॉक्टर साहब। आप डायमंड के नीचे वैसे भी मजा नहीं आएगा आपके साथ, तो हम भी बहुत दिल से चाहते हैं कि आप डायमंड हो जाओ फटाफट, और हम एज डायमंड मिले आपको तो बहुत मजा आएगा, हमारी भी बहुत खुशी होगी उसमें। बिल्कुल, तो आपके बच्चों के बारे में, थोड़ा फैमिली के बारे में भी हम लोग बात करना चाहेंगे। आपके बच्चे दोनों क्या कर रहे हैं अभी? दो मेरे बेटे हैं सर, बड़ा वाला उसने ये इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, फिर उसके बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज से उसने सर्जरी में ही MS किया, फिर उसके बाद केरला में LFP गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से उसने MCH किया यूरोलॉजी में, तो भी यूरोलॉजी में स्पेशलाइज करके कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है दिल्ली के एक मैक्स हॉस्पिटल में, वहाँ पर अभी काम कर रहा है। तो अच्छा है वहाँ, अभी अभी सेटल्ड नहीं है इस तरह से कि अभी इज नॉट श्योर कि मुझे दिल्ली में ही रहना है, वो कहीं से वहाँ से मूव करेगा, बट उसका कोई चैलेंज नहीं है, जहां भी चाहेगा वहां ही कर।
एस्टैब्लिश। दूसरा जो मेरा बेटा है वो यूट्यूबर है सर, बहुत जबरदस्त यूट्यूब चैनल है बहुत पॉपुलर, करीब उसमें 2.5-3 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, बिल्कुल, एंड इज अ लाइफ स्किल्स कोच। और उसका जो मेन काम है, लोग उसको कंसल्ट करते हैं अबाउट द चैलेंजेस ऑफ देयर लाइफ्स, तो वो पेड कंसल्टेशंस होती हैं, बिकॉज ही सेज कि अगर हम सबसे बात करने लगेंगे तो फिर तो हम पागल ही हो जाएंगे, कितना बात करेंगे लोगों से। बिल्कुल, तो टू कंसल्ट हिम पीपल हैव टू पे एंड देन ही टॉक्स टू देम। और बहुत बड़े बड़े लोग उससे बात करते हैं, जैसे कोई कॉलेज के प्रोफेसर, सीनियर डॉक्टर्स, यंग लोग तो बात करते ही करते हैं, बट सीनियर लोग भी उससे बात करते हैं। तो हम भी कई बार उससे पूछते हैं, हमारे भी कुछ चैलेंजेस हैं, बताओ तुम्हारा फीस फीस कहाँ जमा करना है, कर दे। सही है, तो ये दोनों अच्छा कर रहे हैं सर, एंड एज अ फादर आई फील सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अबाउट दैट। यस, बिल्कुल ब्लेस्ड। एक ही है कि दोनों ने अभी शादी नहीं की, हम चाहते हैं जल्दी शादी भी कर लें, क्योंकि जो उम्र होती है ग्रैंड चिल्ड्रन पास में हो, इसकी इच्छा होती है एक, बिल्कुल। तो दो ही इच्छाएं अभी सर, डायमंड जाए और एक घर में छोटा बच्चा हो। बिल्कुल, डायमंड जाए और डायमंड बन के ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेले, बिल्कुल सही है, ये सब हो जाएगा डॉक्टर साहब, टाइम के साथ सब होता है। आपकी बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली है और ज़बरदस्त बच्चों ने, आपने, आपके बच्चों ने सक्सेस ली है। तो FRU का किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हो टीम के लिए, ग्रुप के लिए, और कौन सी FRU आपके माइंड में ज़्यादा इम्प्रिंट है, या कौन से इवेंट इस तरह के इम्प्रिंट हैं, और किस वजह से, क्या आपको अच्छा लगता है? सर FRU तो स्पेशल अभी यही वाली थी जो लास्ट थी, स्पेशल तो यही थी। अच्छा, और उसका इम्पैक्ट, अब हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं सब, तो वो साफ साफ दिख रहा है, इवन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम के ऊपर भी साफ दिख रहा है, जो गए थे उनके चेहरे और जो नहीं गए थे उनके चेहरे, वो डिफरेंस साफ दिख रहा है, जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, जो उनके चेहरों पर स्माइल है। एनीवन कैन गेस, एनीवन कैन फाइंड आउट कि इनके साथ कुछ स्पेशल हुआ है, ये वाले जो वहां गए थे, और वो जो नहीं जा पाए थे somehow or the other they have missed it, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी वो दे पाए जो कुछ वहां से मिला है। लेकिन आप एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि वो पॉसिबल होता नहीं है, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, वहां होके जो मिलता है वो वहां से लाके नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, वो एनवायरनमेंट ही अलग है। और हमारी टीम में सब लोग जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो हमारे अप्लाइंस हैं, आपके बारे में, RP सर, चंद्रा मैम के बारे में, आपके और बिंदु मैम के बारे में, आलोक जी और भावना जी के बारे में, कि इनके दिल में कितना प्यार भरा है, और ये हमारी सक्सेस को लेकर कितने इमोशनल हो जाते हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, शायद हम खुद अपनी सक्सेस के लिए उतने इमोशनल नहीं होते जितने हमारे अप्लाइंस हो जाते हैं, जो हमारे अनिल नारंग सर हो जाते हैं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, एंड दैट लीव्स देम विद एन इंपैक्ट कि भाई हमें तो करना ही है, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने अप्लाइंस के सेटिस्फेक्शन के लिए, उनकी खुशी के लिए हमें करना चाहिए। तो अभी इस समय माहौल ये है कि करना ही है और करके ही रहना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही बोला, बिल्कुल सही समय भी है इस बिज़नेस को करने का, बहुत अच्छा माहौल भी बन गया है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। इस FRU में वाकई थोड़ा मैजिक तो था, कुछ तो मैजिकल था, ज़बरदस्त। और मैजिक आप ही हैं सर, उसके मैजिक आप हैं। उस दिन जब आप फोटो करवा रहे थे हम लोग की, तो हम लोग चुपचाप खड़े थे, क्योंकि इतने दिन में सीख गए कि बीच में बोलना नहीं है, कुछ आप सब कर लेंगे। लेकिन मन में चल रहा था कि कैसे करेंगे, इतने सारे लोग को कैसे, आप एक के बाद एक सबको बुलाते जा रहे थे, 12% भी आ जाओ, फिर BFI भी आ जाओ, बट यू मैनेज इट सो वेल, हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफ आई भी है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, वो वाली फोटोग्राफ बहुत अच्छी है, वो मैं अभी एक आधे दिन में मेरे पास पहुंच जाएगी, तो मैं आप लोगों को भेजूंगा उसी ग्रुप में, इसीलिए हमने ग्रुप को अभी ख़त्म नहीं किया है, वो ग्रुप को हम मेंटेन करेंगे, सो दैट वी कैन पोस्ट सम पिक्चर, जैसे जैसे हमारे पास आएंगे तो उसमें डालेंगे। तो बिल्कुल मैजिकल था, आपकी टॉक भी बहुत ज़बरदस्त रही डॉक्टर साहब, आपने 15 मिनट में फटे चक दिया एक्चुअली, और लोग इतने एक्साइटेड थे, सिर्फ एक आपकी टॉक थी जिसपे हमें वो टेबलों के थपथपाने की आवाज़ें आई थी, सिर्फ एक बार आई वहाँ पर टोटल, तो बहुत कमाल था, लोगों ने बहुत कनेक्ट किया। तो इनमें लोग हैं जो अभी इस बिज़नेस को शुरुआत कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अभी ज्वाइन भी नहीं है, वो तो कम होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो छोटे लेवल पर हैं, नोटबुक लेके बैठे हैं कि या कुछ आज हमें कुछ ऐसा डॉक्टर साहब बताएंगे कि हम इसके बाद बहुत तेज़ी से बिजनेस करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपका कुछ एक मैसेज हो के नए लोगों के लिए कि वो क्या करें, किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें,
कि ये बहुत बड़ा MBBS, बढ़िया MBBS बना पाए। जब हम लोगों ने शुरू किया था सर, तो उस समय 8 core steps थे। प्रोडक्ट हाँ जी यूज करो, 8 से 10 कस्टमर बनाओ और प्लान दिखाओ लोगों को, और कैसेट सुनो, किताबें पढ़ो, मीटिंग में जाओ। ये स्टेप्स हम करते करते हमारा बिजनेस हो गया। लेकिन अभी जो समय है, जैसे दुनिया बदलती है तो टाइम भी चेंज हो रहा है। अब अगर किसी को ये चीजें ठीक लगती हैं तो इनसे भी बिजनेस बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, इनसे भी बिजनेस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो सिस्टम है, ये वाला तरीका है कि प्लान दिखाया जाए, ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। ये तो है ही है, तो करना ही पड़ेगा भाई। जब आप किसी से बात करोगे और वो पूछेगा बिजनेस क्या है, तो प्लान तो आपको दिखाना ही है। तो अभी ऐसा समय चल रहा है जिसमें हम एक तो डिजिटल हुए हैं, दूसरे बहुत से नए नए तरीके निकल के आ रहे हैं जिनको खारिज नहीं किया जा सकता कि नहीं, ये तरीका नहीं काम कर। मतलब एक ऐसा टाइम है जो क्रिएटिविटी आपकी रिवार्ड, इट कैन बी अ रिवार्डिंग। आप इमेजिन करो कि हम कैसे अपनी टीम बनाएं यूजिंग दिस डिजिटल थिंग, यूजिंग दी इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम आज एक हेल्थ एंड वेलनेस वाली कंपनी है। हमारी कंपनी भी ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है कि वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग सप्लीमेंट्स, बट वी आर इन अ मिशन टू मेक पीपल हेल्दी और वो बीमारियों से बचे रहे। तो अगर हमारी कंपनी का ऐसा सोच है, तो हमारी सोच भी उसी में अलाइन होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी हेल्थ, अपने फिटनेस पर काम करें। अगर हम किसी से बात करें कि हम हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी है, तो हमको दिखना चाहिए कि हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं, हम बीमारियों से फ्री हैं। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। जैसे अभी Live 360 का सेशन चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे नॉलेज हैं, क्लासेस हैं, तो सिंसियरली उनको सुनना पड़ेगा, सुन के नोट्स बनाने होंगे और आपको उसको अपनी एक नॉलेज में स्टोर करना होगा। बिकॉज व्हेन योर स्पीकिंग इज बैक्ड बाय दिस इंफॉर्मेशन, बाय दिस नॉलेज, तो आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। बिकॉज पीपल वॉन्ट टू नो द रियल थिंग्स अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस, और अगर उसमें कोई खाली कोरी बात करता है, ऊपर ऊपर की बात करता है, तो पीपल आर नॉट इम्प्रेस्ड। लेकिन जब आप उनको कुछ चीजें आप बता पाओगे, जैसे आप नीट की बात करो, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, आप अगर उनको फूड की बात करो कि भाई फूड में अगर आप प्रोटीन लेते हो, तो वो फूड कैलोरी देने के साथ साथ कैलोरी भी बर्न करेगा। ये सारी जो इंफॉर्मेशन अगर है हमारे पास, और अगर हम जानते हैं गुड बैक्टीरिया के बारे में, जो बैक्टीरियोडाइट्स हैं, जो फर्मिक्यूट्स हैं, उनका क्या रोल है, हाउ टू, ऐसा क्या हम खाएं कि जो बैड बैक्टीरिया है वो खत्म हो, अच्छे वाले बैक्टीरिया फ्लरिश करें, तो ये सारी नॉलेज लेनी होगी आज के समय में। एंड बेसिकली वो तो करना ही करना है, वी हैव टू टॉक टू पीपल। वो टॉकिंग के हम तरीके अपने निकाल सकते हैं, जूम के ऊपर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आजकल लोग स्टेटस डालते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक में पोस्ट डालते हैं, जस्ट टू टेल पीपल दैट व्हाट वी आर डूइंग। तो कहने का मतलब है कि कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो काम करेगी। यू हैव टू थिंक कि आप कैसे इफेक्टिव हो सकते हो, कैसे कम समय में ज्यादा लोग से आप बात कर सकते हो। हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, उन प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अच्छी बात क्या है कि जो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जो पर्सनल केयर हैं, इनफैक्ट जो हमारी ब्यूटी के भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू अवर हेल्थ, बिकॉज इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, उनके अंदर केमिकल का यूज नहीं होता। तो मेन थिंग इज दैट वी हैव टू बिकम फर्स्ट अ लॉयल कस्टमर ऑफ एमवे प्रोडक्ट्स, जिससे कि हमारे अंदर वो प्रोडक्ट्स दिखाई पड़े, हमारे घर के एटमॉस्फेयर में, हमारे स्किन में, हमारी हेल्थ में, और साथ साथ हम उनके बारे में जानते भी हों, सो दैट वी कैन प्रोफेशनली शेयर द इंफॉर्मेशन विद पीपल। अब वो उस टाइम जब हम लोगों ने शुरू किया था, कुछ भी बता दो, कुछ भी कर दो, जो हमारा इन्फ्लुएंस था वो काम करता था, लोग आ जाया करते थे। प्रॉब्ली दैट टाइम इज नॉट देयर अब तो। और जो स्पेशली जो हमारा कंट्री है, यूथ उसके अंदर ज्यादा है, और जो यूथ है वो हर चीज को बड़ा एनालाइज करके देखता है। और केवल ऐसा नहीं होगा कि हमारी उम्र ज्यादा है और हमने कह दिया तो वो मान लेंगे, दे वॉन्ट, हो सकता है आपसे पूछे ना, बट दे वॉन्ट आंसर्स ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस, सो वी शुड बी एबल टू रिप्लाई देन। और इसके साथ साथ एक जो हमेशा एक चीज है कि अपलाइन सिस्टम्स के आगे सबमिट करना होगा, डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, जो काम करने हैं वो करने ही है। और जैसे आपने कहा था अपने फाइनल एड्रेस में कि बाकी सब चीजें ठीक हैं, वो नहीं भी होंगी तो काम चलेगा।
और वो हैं तो भी काम नहीं चलेगा अगर एक चीज नहीं है, वो है पैशन। इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर ड्रीम तो शायद कुछ भी काम नहीं करेगा। तो वो पैशन जरूरी है, साथ में ये सारी चीजें जरूरी है। और अगर ये है तो अब एग्जाम्पल्स हैं, 2-3 साल में लोग डायमंड गए हैं और अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे। और हम लोग देखते भी हैं सर कि एनी थिंग इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस। इट विल डिपेंड हाउ पैशनेट यू आर, हाउ हाउ बैडली यू वॉन्ट टू गेट दोज थिंग्स। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर, आपने बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी। जुनून होना चाहिए, और जो लिव 360 में जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो हमने जो स्वास्थ्य क्रांति में अभी सीरीज स्टार्ट की है वेट मैनेजमेंट की, तो हम ट्राई करेंगे कि 7 या 8 एपिसोड्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल शब्दों में सबको प्रोवाइड करें। तो हमने क्या कोशिश की कि क्योंकि सभी लोग तो लिव 360 में नहीं आ पाए हैं, तो स्वास्थ्य क्रांति इंस्टाग्राम में जो हम लाइव करते हैं एवरी थर्सडे, तो उसमें हमने जैसे लास्ट टाइम थोड़ी सी बात की थी, तो इस बार हम और डिटेल में बात करेंगे, और हम धीरे धीरे करके तकरीबन ये जैसे ये कॉन्सेप्ट है ईट नीट, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, BMR कैसे रोल प्ले करता है, प्रोटीन के क्या रोल हैं, हाइड्रेशन का क्या रोल है, च्यूइंग फॉर स्लिमिंग एंड वो सारी चीज़ें हम लोग भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के थ्रू हम भी किसी तरह पहुंच पाए। क्योंकि हमारा जो गोल है स्वास्थ्य क्रांति कम्युनिटी चलाने का, वो भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट कर पाए। का जो चैट है वो बहुत ही रिमार्केबल रहेगा और एक माइलस्टोन रहेगा हमारे इस चैट शो की सीरीज में। हमने रिकॉर्ड भी किया है तो ये सबके पास अवेलेबल भी रहेगा, और बहुत ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी है, और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें सबको, और आप भी बहुत जल्दी से बड़े बड़े लेवल अचीव करें। आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, आपकी जो सक्सेस आपकी लाइफ में अदरवाइज इट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम अचीविंग गुड मार्क्स, एकेडमिक कैरियर एंड बीइंग ए लीडर, और आपके जो फैमिली जिस तरह से आपने बिल्ड की है पूरी, आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं। तो डायमंड एक पिन है, वो भी आ जाएगी आपके पास, वो आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दिस चैट शो।